हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 12 का चैप्टर है, जिसकी हम एक्सरसाइजेस करते हैं। सबसे बड़ा कि पॉइंट जो है वो ये है कि ये वीडियो दो पार्ट्स में बनाया गया है, क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइजेस है ये काफी लंबी थी, तो इसको एक पार्ट में कवर करना उतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको दो पार्ट्स में कवर किया है। सबसे पहला यहाँ पर जो सेक्शन दिया हुआ है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। पहला ही वर्ड डिटेल है, तो दैट मींस आपके आंसर्स जो हैं वो डिटेल हैं, तो थोड़े से लेंथी हैं। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग इसे कट शॉर्ट करके जो भी कम करना चाहे वो कर सकते हैं। पहला आंसर है व्हाट इज डेवलपमेंट और एक्सप्लेन द रोल ऑफ नीति आयोग इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है, जो हमारे यहाँ नीति आयोग बनाया गया है उसका क्या रोल है डेवलपमेंट के अंदर। तो डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे अगर एडवांसमेंट होता है, उसमें बेटरमेंट होता है, तो उससे क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके भी ओवरऑल लाइफ में, उनकी वेलबींग में बेहतरी होती है, उनके में बेटरमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट आता है। समझने का बेस्ट तरीका है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर कंपनी तरक्की करेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली तरक्की होगी। अगर कंपनी ही में फायदा नहीं हो रहा तो आपका फायदा कहां से होगा। तो सेम चीज है, अगर डेवलपमेंट होता है तो चाहे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, दो तीनों उस एस्पेक्ट्स में अगर होता है तो ओवरऑल इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी हो, सबका बेनिफिट होता है। अब इसमें जो है बहुत अलग अलग जो पहलू होते हैं सोसाइटी के, उसके सारे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो इसमें शामिल है। जैसे कि आपकी इनकम का बढ़ना, आपको काम या जो रोजगार है उसके मौके मिलना, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट होना, जो एक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो चाहिए हैं, जिससे कि हमारे यहाँ ज्यादा अच्छे से जो है चीजों को करा जा सके, चाहे आपका एजुकेशन है, हेल्थ केयर के लिए इंस्टीट्यूट चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, वो जो चीज है, या आपके ब्रिज हैं, रोड्स हैं, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, उससे क्या होता है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको जो है मिलती है। अब जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जब से हाईवेज की रोड बहुत अच्छी बन गई है, जो एक्सप्रेस वेज बन गए हैं, उससे आपका टाइम कितना बेटरमेंट हो गया, कितना कम बचने जो है आपको टाइम वेस्ट होता है। यही सब चीजें हैं कि अगर कुछ अच्छा होता है तो ओवरऑल आपको भी उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। डेवलपमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, चौतरफा इसमें जो है कॉन्सेप्ट आते हैं, जो खाली सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ फैक्टर्स उसके अंदर शामिल हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए योगदान देते हैं। अब आता है नीति आयोग क्या है, या हम इसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया में जो बदलाव लाने हैं उसके लिए कहीं भी एक राष्ट्रीय तौर पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिसमें हम जो हैं ऐसी पॉलिसीज को कुछ कर बना सके जिससे हमारे कंट्री में बदलाव आए। तो नीति आयोग एक ऐसी पॉलिसी थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है इंडिया के अंदर। इसको एस्टैब्लिश किया गया था जनवरी 2015 में, जो हमारे यहाँ पहले प्लानिंग कमीशन थी उसको रिप्लेस करके नीति आयोग जो है वो बनाया गया। बेसिकली पर्पस क्या था, जो एम था उसका, वो ये था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और उसको जो है इसके अंदर इंक्लूड करना, इसको ग्रो करना, और साथ ही साथ प्रमोट करना सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पर कोऑपरेटिव फॉर फेडरलिज्म जो है इसका क्या मतलब होता है, यहां पर अगर आप इस लाइन को छोड़ दें, कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है इसका मतलब क्या है, तो अभी हम आपको यहाँ नीचे समझाते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है। नीति आयोग जो है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है डेवलपमेंट प्रोसेस में इंडिया के अंदर, और उसके जो है कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके हेल्प से वो काम करता है। चलिए सबसे पहले अपना पहला फंक्शन देखते हैं, वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को जो है और स्ट्रैटेजीज को अलग अलग सेक्टर्स के इकोनॉमी के बनाता है, लागू करता है, फॉर्मुलेट करता है।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आपके अपने जो नए नए आइडियाज होते हैं वो आप जो है आगे ला सकते हैं, सॉल्यूशंस बता सकते हैं, जो भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं उनको लेकर। तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल होता है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो सॉल्यूशंस हैं, ताकि डेवलपमेंटल तौर पर जो है चैलेंजेस जो आते हैं उसको दूर करने में आसानी हो, तो उसके लिए ये आपको हेल्प करता है। दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है? एक्टिव तौर पर स्टेट्स को इन्वॉल्व करना पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। ये स्टेट्स को इनकरेज करता है कि आप भी लीड लीजिए डिजाइन करने में, लागू करने में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, जो कि उनके अपने स्टेट की खास तौर पर जरूरत या प्रायोरिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, ये मॉनिटर करता है कि जो भी पॉलिसीज हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उनको लागू किया गया या नहीं, उनकी क्या इफेक्टिवनेस है, कितना उस पॉलिसी का या प्रोग्राम का फायदा हो रहा है उसको जांचता है, और फिर अगर उसे लगता है फायदा नहीं हो रहा तो क्या और बेटर करना चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट हो या फायदा हो, बेनिफिट हो, उसके लिए सजेस्ट कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योर करने में कि जो भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं वो सही रास्ते पे हों और जैसा हम आउटकम चाहते हैं उसको वो दे रहा। फिर है स्पेशल इनिशिएटिव्स, कैंपेन्स जो हैं खास तौर से जो स्पेसिफिक तौर पे चैलेंजेस होते हैं उन एरियाज में, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, वाटर मैनेजमेंट है, या सस्टेनेबल तौर पर डेवलपमेंट है, उनको एड्रेस करने के लिए जो है ये कदम उठाता है। ये बेसिकली इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। फिर आता है रिसर्च एंड इनोवेशन। ये एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो है उसको कहना चाहिए, एविडेंस बेस्ड जो होती है मतलब आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास प्रूफ है, उन तरीके के प्रूफ्स को, उस तरह की पॉलिसी को रिकमेंड करने में ये आपको मदद करता है। ये एक्सपर्ट्स जो हैं, एकेडमिया है या जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो करी जा सकती है उनको पहचान करते हैं, और फिर उनके जो जो भी इनोवेटिव अप्रोचेस होते हैं डेवलपमेंट के लिए उनको जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन का मतलब ही यही है कि आपको जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर जो बेस्ट पॉसिबल होता है डेवलपमेंट के लिए उसके लिए आपको ये एक तरह से प्रोवाइड करता है। और फिर फाइनली आता है ग्लोबल पार्टनरशिप। जो ग्लोबल नॉलेज है या जो रिसोर्सेज हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए उनको कैसे हम प्रोवाइड करें, कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, वो चीजों के लिए ये मदद करता है। ये एंगेज करता है अपने आप को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि वहां से जो उनके विचार हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सचेंज किया जा सके और अपने कंट्री में उसको लाया जाए अपने तरीके से, ताकि हमारे यहाँ भी यहाँ बेनिफिट हो। तो अगर ओवरऑल समरी देखें तो नीति आयोग जो है वो एक ऐसा मुख्य केंद्र है जो कि शेप करने में और इंडिया के डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये मेनली फोकस करता है एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, सही जो लगातार चलती रहे ऐसी ग्रोथ के लिए, जिसमें शामिल होते हैं स्टेट्स, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर, और साथ ही साथ जो भी जरूरतें हैं या चैलेंजेस है कंट्री के लिए उसके लिए हमें कैसे अपने आप को अडेप्ट करना है, कैसे हमको उससे बाहर निकलना है, उन चीजों के लिए जो है वो लगातार काम करता है। ये आपका पहला आंसर है डेवलपमेंट क्या है और रोल क्या है नीति आयोग का डेवलपमेंट के अंदर। दूसरा आता है जो अलग अलग वेरियस एजेंसीज हैं डेवलपमेंट के अंदर इंडिया के लिए, वो कौन कौन सी है उसके बारे में बताइए। तो इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। ये एजेंसी अलग अलग लेवल्स पर ऑपरेट करती हैं, जिसमें आती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कई बार कोलैबोरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब यहाँ पर हम आपको जो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में बताते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था नीति आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमारे यहाँ का थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी है। जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसको ये लागू करने का काम करती है।
दूसरी है प्लानिंग कमीशन, जो कि अब एक तरह से खत्म हो गई, उसकी जगह ही नीति आयोग है। ये भी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी फॉर्मुलेट करने के लिए 5 ईयर प्लान्स को, और फिर ये देखना कि वो सारे के सारे जो 5 ईयर प्लान्स बने हैं वो लागू हुए कि नहीं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था शेप करने में इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसीज को, जब तक कि इसको रिप्लेस नहीं किया गया नीति आयोग। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं MoRDH। ये जो है फोकस करता है कि कैसे गरीबी को हटाया जाए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, और जो गांव में लोग रह रहे हैं उनकी जो लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है MoRDH, ये वर्क करती है अगेन सस्टेनेबल और एक रहने योग्य अर्बन स्पेसेस को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, और उन चैलेंजेस को एड्रेस करना जो कि तेजी से ये जो शहरीकरण हो रहा है उससे संबंधित है। नेक्स्ट आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे NABARD कहते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फोकस करता है रूरल डेवलपमेंट पे, उसको क्रेडिट और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा के एग्रीकल्चर से संबंधित या और उससे जो संबंधित एक्टिविटीज होती है उसके लिए ये सपोर्ट करता है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो कि संबंधित होती हैं वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर से। ये उनके जो मुद्दे होते हैं हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण के, उनको एड्रेस करता है। फिर आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको हम बोलते हैं आजीविका। इसका मेन एम क्या है, गरीबी को कम करना, ज्यादा से ज्यादा जीविका के मौके देकर और फाइनेंशियल इंक्लूजन खासतौर से करके रूरल एरियाज में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो है फोकस करता है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बनी रहे रूरल एरियाज में, ताकि जो उनकी पहुंच है मार्केट तक या एसेंशियल सर्विसेज तक वो जो है और ज्यादा इम्प्रूव्ड हो। नेशनल हेल्थ मिशन, इसका मेन एम है एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सब तक पहुंचे, खास तौर से मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ, मतलब आप जो हेल्थ केयर है वो आप अफोर्ड कर पाए और आपकी उस हेल्थ केयर तक पहुंच हो। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ये ओवरसीज एजुकेशन पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को देखता है, वर्क करता है क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी जो एजुकेशन की है हर लेवल पर उसको इम्प्रूव करने। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि फोकस करती है स्किल डेवलपमेंट में, ताकि जो भी काम के लिए चीजें हैं या काम जिससे जनरेट हो सकता है उसको और बढ़ाया जा सके। ये कोलैबोरेट करता है अलग अलग सेक्टर्स के साथ ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स को क्रिएट किया जा सके। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये कोऑर्डिनेट करता है एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ और एजुकेशन के लिए कंट्री के अंदर। इसका मेन पर्पज क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर। तो ये सारी एजेंसीज और भी बहुत सारी हैं, सब मिलकर एक मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट जो है इंडिया का उसके लिए योगदान देती हैं, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को एड्रेस करके और जरूरतों को जो कि हमारे अलग अलग सेक्टर्स या रीजन्स में पड़ती हैं उनको पूरा करने के लिए ये काम करती है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको डिटेल में बताना है रिलेशनशिप डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच। जो रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच वो बहुत ही जटिल है और मल्टीफेसेटेड है, मतलब एक सिंगल फेस नहीं है, आपके कई सारे उसके फेसेस हैं, जिसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको शेप भी दे रहे हैं अलग अलग तरीकों से। अब यहां देखते हैं डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच का क्या रिलेशन है। पहला है फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इसमें देखते हैं कॉमन वैल्यूज। ये दोनों के दोनों कॉमन वैल्यूज को जो है शेयर करते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स है, इंडिविजुअल का फ्रीडम है और रूल ऑफ लॉ को। पार्टिसिपेशन यानी इंडिविजुअल्स की एबिलिटी कि वो पार्टिसिपेट कर पाए, हिस्सा ले पाए पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, और इसको माना जाता है एक फंडामेंटल बेसिक एस्पेक्ट दोनों ही डेमोक्रेसी का और डेवलपमेंट का। फिर मान कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो फैसिलिटेटर है डेवलपमेंट, कैसे,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत ही जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या इंकरेज करती है, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी सही तौर पे फंक्शनिंग हो। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, चेक्स होते हैं और बैलेंसेस होते हैं, मतलब आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है तो आप पे कंट्रोल भी किया जा सके और बैलेंस बनाया जा सके। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता, और जो भी आप मैकेनिज्म है आपका उसकी आपको जवाबदेही होनी चाहिए। ये फैक्टर्स जो है बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, करप्शन को कम करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूज है रिसोर्सेज का, जो कि बहुत जरूरी होता है डेवलपमेंट की। थर्ड आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एम्पावरमेंट। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें एक हमें भी अपनी बात को कहने का मौका देना। जो एम्पावर्ड सशक्त सिटीजन हैं वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सोशल और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एफर्ट्स जो है उनके। ह्यूमन राइट्स, ये इसका क्या मेन होता है रोल, कि ये जो है जो ह्यूमन राइट्स है उनको बनाए रखे, मतलब कि आपको राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता रहे, फोकस रहता है ह्यूमन राइट्स का। और ये जो है अलाइन किसके साथ करता है, जो बहुत ही ब्रॉडर गोल्स हैं डेवलपमेंट के उसके साथ जो है आपका अलाइनमेंट रहता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, पहला है सोशल जस्टिस। डेमोक्रेसी ज्यादातर जोर देता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, मतलब कि जो बेनिफिट्स हैं प्रोग्रेस के वो सबको बराबर मिले, अलाइन करता है जो हमारे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एक आइडियल्स हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन के, प्रोटेक्शन माइनॉरिटी राइट्स का, इन सब का ये ध्यान रखता है। पॉवर्टी रिडक्शन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है अपनी पॉलिसी डिसीजंस और प्रोग्राम्स की मदद से एड्रेस करती हैं उन इश्यूज को जो कि पॉवर्टी और इक्वालिटी से इनइक्वालिटी से संबंधित होते हैं। गरीबी को कम करना, इसका जो जोर दिया जाता है ये एक तरह से की एस्पेक्ट माना जा सकता है डेवलपमेंट का और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का, जो कि मदद करते हैं शेप करने में उन पॉलिसीज को जो इन चैलेंजेस को टारगेट करते हैं। फिर आता है चैलेंजेस एंड टेंशंस, शॉर्ट टर्म प्रेशर्स। डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल प्रेशर्स के कारण, जो कि पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करते हैं। इससे क्या होता है, पॉलिसीज जो हैं वो एक ऐसे जो हैं कि आपको इलेक्टोरल तौर पे इमीडिएट फायदा हो उसके लिए ज्यादा क्या कहते हैं कोशिश करी जाती है, बजाय लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल गोल्स के लिए। इनइक्वालिटी और डेमोक्रेटिक डेफिसिट्स क्या होते हैं, भले ही कितना भी पोटेंशियल हो डेमोक्रेसीज का कि वो सोशल इनइक्वालिटीज को एड्रेस कर पाए, फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है खुद सफर कर रहा होता है डेफिसिट से, जिसमें आपको एक्सक्लूशनरी जो है प्रैक्टिसेस हैं, अनइक्वल तौर पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, इन सबको फेस करना। सिक्स्थ है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट, ट्रांजिशनल फेज। कंट्रीज जो कि चेंज हो रही है तो डेमोक्रेसी में, उनको कई लंबे समय तक इनस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ती है, पर अगर सफल तौर पर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो तो उसमें क्या होता है, आपका बेहतर डेवलपमेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं लॉन्ग रन। सिविल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इंकरेज करती हैं ग्रोथ एक बहुत ही वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी को, जो कि अहम रोल प्ले कर सके डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने में, उसकी जवाबदेही हो और कंट्रीब्यूट करे सोशल प्रोग्रेस के। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है ज्यादातर एंगेज होती हैं कोऑपरेटिव एफर्ट्स में एड्रेस करने के लिए ग्लोबल चैलेंजेस। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत अहम माना जाता है उन जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल स्केल। तो ओवरऑल समरी ये है कि जो रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में वो एक सिम्बायोटिक है। डेमोक्रेसी आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी देकर। वही डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की है उसको बढ़ाती है,
सिटीजन्स को इतना पावरफुल करती है, मजबूत करती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें जो भी पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट्स है उनको शेप करने। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, इवैल्यूएट द एफर्ट्स फॉर वुमेन डेवलपमेंट एंड वुमेन वेलफेयर। जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वुमेन डेवलपमेंट के और वेलफेयर के, उनकी भी प्रोग्रेस हम कई एस्पेक्ट से देख सकते हैं, बट बहुत सारे चैलेंजेस और गैप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इवैल्यूएशन देखते हैं इन कोशिशों, पहले देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, बहुत कंट्रीज ने जो है ऐसी लॉज और पॉलिसीज को लागू किया है जो कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करें, वायलेंस को और इनइक्वालिटीज। ये जो लीगल फ्रेमवर्क है ये एक बहुत ही अहम टूल माना जाता है विमेन राइट्स और वेलफेयर को प्रमोट करने के। फिर आता है एजुकेशन इनिशिएटिव्स, जो विमेन की एक्सेस है, पहुंच है एजुकेशन को लेकर वो इम्प्रूव हो, और उसके कारण क्या हुआ है जो लिटरेसी रेट्स हैं या एनरोलमेंट है उसमें बढ़त हुई है। एजुकेशन की मदद से विमेन स्ट्रांग होती हैं, अपने जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बढ़ाती हैं, और जो पॉवर्टी की साइकिल है, गरीबी की, उसको तोड़ने में योगदान देती है। भाई अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों पढ़े लिखे होंगे, दोनों काम करेंगे, तो आपके घर में इनकम ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा आएगी तो आपकी गरीबी कम होगी। हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है वो फोकस करते हैं विमेन हेल्थ पर, इसमें मेटर्नल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज शामिल होती हैं, और इन्हीं के कारण इम्प्रूवमेंट हुआ है मेटर्नल मोर्टैलिटी, जो मोर्टैलिटी रेट है उसमें, और ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स। जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की हैं वो बढ़ा दी गई हैं ताकि वुमेन का जो है अब कंट्रोल है अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस पे, मतलब कि वुमेन जो है ज्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं या जो भी है, उसके मदद से, इन प्रोग्राम्स की मदद से वो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी काफी हेल्प कर सकती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना, उस तरह के इनिशिएटिव्स जैसे कि माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम चलाना या स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इन्होंने भी वुमेन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसमें काफी ज्यादा योगदान दिया। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एनहांस करता है ओवरऑल बीइंग वेलबीइंग, और रिड्यूस करता है उनकी जो वल्नरेबिलिटी है, एक पिटीनेस जो होती है उसको वो कम करता है। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, एडवोकेसी जो है, एडवोकेसी मतलब एक तरीके से आप जो है इस तरह के कैंपेन्स के बारे में जागरूकता बता रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो जेंडर इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, स्टीरियोटाइप्स की एक विचारधारा बनी हुई है, उस तरीके के जो एक सोसाइटल माइंडसेट होता है ना कि हमारे समाज में एक विमेन को लेकर माइंडसेट है, जेंडर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, उस चीज को कम करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। ये जो अवेयरनेस है जब ये बढ़ती है तो बहुत बेनिफिट होता है विमेन के लिए, क्योंकि तब आप जो है उन छोटे छोटे मुद्दों को नहीं हाईलाइट करते हैं जो आपको आप पीछे की तरफ खींचता है। तो ये जो इंक्रीज अवेयरनेस है ये बहुत जरूरी है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए विमेन के। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या एरियाज हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए होने चाहिए। सबसे पहले आता है जेंडर गैप्स, कितनी भी प्रोग्रेस हो जाए एक जेंडर गैप जो है वो अभी भी उन एरियाज में परसिस्ट करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी आप देख सकते हैं काम में भी लेडीज उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, वेजेस जेंट्स और लेडीज बराबर काम करते हैं पर कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है सैलरी में। पॉलिटिकली भी आप देखें तो मेल फीमेल रेशियो बहुत ज्यादा उसमें गैप होता है। इन गैप्स को एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिसमें फर्म एक्शंस हो और टारगेटेड जो इंटरवेंशन है कि हमें क्या अचीव करना है उसको पूरा किया जा सके। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है आज भी एक ग्लोबल तौर पर मुद्दा बना हुआ है जो अभी भी एग्जिस्ट कर, वायलेंस को कम करना या उससे एक जैसे कहना चाहिए ना उसको रोकना, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको ज्यादा बड़े स्तर पर किया जाए, जैसे ज्यादा फोकस दिया जाए लीगल एनफोर्समेंट पे, जो सपोर्ट सर्विसेज दी जाए जो सर्वाइवर्स है उनके लिए, और कल्चरल शिफ्ट्स ताकि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो। इंटरसेक्शनलिटी, कोशिशों की जो करी जाती है उसमें जरूरत है कि जो इंटरसेक्शनलिटी है विमेन के एक्सपीरियंसेस की उसको कंसिडर किया जाए, ये जानकर, ये बातों को मानकर कि जैसे रेस, क्लास,
एथनिसिटी, ये सब जो है इंटरसेक्ट किससे करती है, जेंडर से। टेलरिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग नीड्स जो हैं उनको एड्रेस कर सके, और ये बहुत जरूरी होते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन, विमेन जो हैं अभी भी अंडर रिप्रेजेंट करी जाती हैं लीडरशिप रोल्स में, चाहे वो आपके पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। आपको एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि आप इन बैरियर्स को तोड़ें, प्रमोट करें इक्वल अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस। एक्सेस टू रिसोर्सेज, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज की है, जैसे लैंड है, क्रेडिट है, टेक्नोलॉजी हैम्पर्स है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को हैम्पर करती है, मतलब रोकती है। पॉलिसीज और प्रोग्राम इस तरह से होने चाहिए कि दोनों की बराबर पहुंच हो इन रिसोर्स तक, ताकि स्ट्रक्चरल तौर पर जो इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस किया जाए। फिर आता है लीगल इम्प्लीमेंटेशन, जहां लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है वही उनका इफेक्टिव तौर पर लागू होना, उसको एनफोर्स करना, ये अभी भी एक चैलेंज है। जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करना, इंश्योर करना कि जवाबदेही हो, ये बहुत ही जरूरी है लीगल प्रोविजंस को चेंज करने में एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर विमेन की लाइफ के लिए। मतलब अगर विमेन की लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके लिए आपको मजबूत बनाने होंगे जुडिशियल सिस्टम्स ऐसे कि जो उनकी बात को सुने और उनको प्रॉपर न्याय मिले। फिर आता है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, जो हमारे यहाँ के बहुत ही जैसे कहेंगे जड़ों तक घुसे हुए हैं, ऐसे कल्चरल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये विमेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट इन्वॉल्व हो, एजुकेशन हो, ताकि जो भी हार्मफुल नॉर्म्स हैं उसको चैलेंज किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं जब अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं विमेन डेवलपमेंट और वेलफेयर के, वही कंसर्टेड एफर्ट्स भी हैं जिनको जरूरी है कि एड्रेस किया जाए, ताकि जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उनको हटाया जा सके। कोलैबोरेटिव एक्शंस जिसमें गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हों, ये भी बहुत जरूरी है कि ये ज्यादा से ज्यादा बेटर, इक्विटेबल और जस्ट एनवायरमेंट विमेन के लिए क्रिएट करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, जो विमेन को सशक्तिकरण करना है उनका, उसकी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में जानते हैं। यहां दिया है कि विमेन एम्पावरमेंट की प्रोसेस क्या है। विमेन एम्पावरमेंट भी एक मल्टीफेसेटेड प्रोसेस है जिसमें उनका स्टेटस, उनकी कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि उनका भी पूरी तरह से पार्टिसिपेशन हो, उनका भी योगदान हो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब ये जो प्रोसेस है विमेन एम्पावरमेंट का, इसमें कुछ की एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला है एजुकेशन, एक्सेस होनी चाहिए उनकी एजुकेशन तक, बराबर के तौर पे पहुंच हो क्वालिटी एजुकेशन की विमेन के लिए, ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन की मदद से विमेन जो है वो मजबूत हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि उसको नॉलेज, स्किल या कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो भी क्या कहते हैं डिसीजंस हैं उसमें उसकी भी एक तरीके से हिस्सेदारी होगी, पढ़ी लिखी होंगी तो ज्यादा बेहतर सलाह दे पाएंगी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए वुमेन के लिए जो वर्कफोर्स के अंदर जरूरी है, ये एक बहुत अहम बात है। में आता है जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रमोट करी जाए, वेज गैप्स यानी जो वेतन मिलता है उसके जो गैप्स हैं उनको देखा जाए, और सपोर्ट करा जाए जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और वर्कर्स हैं, मतलब जो जिस कंपनी की विमेन ओनर है या जहां पर लेडी वर्कर्स काम करती है। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, विमेन को जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक उनकी पहुंच हो, जिसमें क्रेडिट, सेविंग्स, माइक्रो फाइनेंस ये सब शामिल हो, वो इनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाने में मदद करता है। हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, हेल्थ केयर एक्सेस, इंश्योरिंग करना कि विमेन जो है उनकी क्वालिटी हेल्थ केयर तक पहुंच हो, जिसमें मेटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस शामिल है, और ये सब इनके वेलबींग में योगदान देती है। रिप्रोडक्टिव राइट्स, विमेन के पास ये चॉइस हो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, फैमिली प्लानिंग है एक बहुत ही अहम पहलू है,
ताकि उनको भी जो है आजादी मिल सके, वो अपने तौर पर डिसाइड कर पाए। लीगल रिफॉर्म्स, जेंडर रिस्पॉन्सिव लॉज, बनाना और लागू करना ऐसे कानून को जो प्रोटेक्ट करे विमेन राइट्स को, उन मुद्दों को एड्रेस करना जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत जरूरी है। लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स, विमेन के पास बराबर के अधिकार हो लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि बहुत जरूरी है उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी के। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, विमेन पार्टिसिपेशन को पॉलिटिकल प्रोसेसेस या डिसीजन ब्रेकिंग जो बॉडीज हैं उसके अंदर प्रमोट करना बहुत जरूरी है, जैसे जेंडर कोटाज हैं, उसकी वकालत करना, एनकरेज करना वुमेन को कि वो ऑफिस चलाएं, एक सपोर्टिव तौर पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना, लीडरशिप डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज मिले वुमेन को कि वो लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर पाए, सिविक एक्टिविटीज जो है उसमें शामिल हो सके, जो कि बढ़ाता है उनकी प्रभाव को, पॉलिसीज और गवर्नेंस को शेप करने। अवेयरनेस एंड सोशल चेंज, चेंजिंग कल्चरल नॉर्म्स, जो हार्मफुल कल्चरल नॉर्म्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, जो खास तौर से जेंडर इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत योगदान देते हैं सोसाइटी की जो एटीट्यूड है उसको बदलने। कम्युनिटी एंगेजमेंट, विमेन जो होती हैं, जो स्ट्रांग होती हैं, वो इन्वॉल्व करती हैं बातचीत, कोलैबोरेटिव तौर पर एफर्ट करना ताकि जेंडर बेस्ड इश्यूज को जो है उनको एड्रेस किया जा सके और इक्वालिटी प्रमोट करी जा सके, खास तौर से कम्युनिटीज। टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी विमेन में प्रमोट करके आप उनके लिए मौके खोल रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के और डिजिटल इकोनॉमी में हिस्सेदारी के। स्किल ट्रेनिंग, वुमेन को ऐसी स्किल्स जो हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए जिससे, या जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं उनको जो है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स दोनों जो हैं वो बढ़ सके। सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट नेटवर्क है ऐसा क्रिएट किया जाए, कम्युनिटीज जो हैं ऐसी इनिशिएटिव लें जिससे कि उनको मेंटरशिप है, काउंसलिंग है या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिल सके और उनके लिए भी एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और एम्पावरमेंट क्रिएट की जा सके। फिर आता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और नेटवर्क्स जो हैं ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करते हैं उन एफर्ट्स को जो विमेन को एम्पावर करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसोर्सेज और नॉलेज को शेयर। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रोसेस है विमेन एम्पावरमेंट का, ये लगातार चलने वाला ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट तौर पे एफर्ट की जरूरत है गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी से, प्राइवेट सेक्टर से और इंटरनेशनल। ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है स्ट्रक्चरल तौर पे जो इनइक्वालिटीज है उनको एड्रेस करना, एक एनेबल करने वाला उनको एनवायरमेंट देना और प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी का जो कल्चर है, ताकि एक लगातार चलने वाला जो बदलाव है वो क्रिएट किया जा सके या लंबे समय तक जो बदलाव है उसको क्रिएट किया जा सके। ये जो चैप्टर है आपका, इसका ये पहला पार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो आंसर्स इन डिटेल है उनको बताया। अब इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। आपको इतना समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले पार्ट।